प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय आने जा रहा है और ये कई मामलों में बहुत ही उपयोगी है और कई जगहों पर हमारी मदद करता है। ये प्रमेय समानांतर चतुर्भुज के बारे में हमसे बात करता है। समानांतर चतुर्भुज के बारे में अभी तक जो आपने पाया और सीखा वो एक तो उसकी परिभाषा से हमको मिला था और परिभाषा ये कहती थी कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हो, एक भुजा के सामने की भुजा उसके समानांतर हो और तीसरी भुजा के समानांतर जो तीसरी भुजा के सामने जो चौथी भुजा है वो उसके समानांतर हो, तो जब दोनों जोड़े समानांतर हो तब वो चतुर्भुज समानांतर होता है, ये परिभाषा से हमको मिला था। बाद में प्रमेय में आपने ये देखा कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े आपस में बराबर भी हों, माने पहला जोड़ा पहले जोड़े की दोनों भुजाएं बराबर हों और दूसरे जोड़े के दोनों भुजाएं भी बराबर हों, तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। तीसरी बात थी जो उनके कोणों को लेकर के थी, वो ये थी कि किसी चतुर्भुज में यदि आमने सामने के कोण आपस में बराबर हों, माने दोनों जोड़े बराबर हों, तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। अभी जो बात हम देखने जा रहे हैं उसमें कुछ बात अलग है। वहां पर जो बात की जा रही है वो भुजाओं के एक ही जोड़े के बारे में की जा रही है, लेकिन वहां पर दो शर्तें हैं। वो ये कहता है कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा या केवल एक युग्म बराबर हो और समानांतर भी हो, दोनों शर्तें एक ही जोड़े पर लागू हो रही हैं। कोई भी एक जोड़ा बराबर भी हो और समानांतर हो तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। ये एक चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हमारे सामने है। तो आइए देखें, आपके सामने एक चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। हमें नहीं मालूम कि यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है या नहीं, लेकिन हमें एक बात यह पता है कि इनमें जो भुजाओं के दो जोड़े हैं AD और BC और AB और DC, इन दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा, आप किसी भी जोड़े को लें, मान लीजिए हम AB को लेते हैं और उसके सामने की भुजा DC को लेते हैं, तो हमको भुजाओं का एक जोड़ा मिलता है AB और DC। इनके लिए हम मान लें कि AB और DC दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर भी हैं, तब उस स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए, जो जानकारी हमें दी गई है उसे हम यहाँ लिख लें। हमें यह दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD में AB और DC, AB बराबर DC है और AB समानांतर DC है, ये एक ही जोड़े के बारे में दो बात की जा रही है, ये हमें दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। कैसे करेंगे आइए देखिए। आपने एक चीज बार बार उपयोग में लाई है और वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जो हर जगह हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर भी हम उसका उपयोग करेंगे और इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांटते हैं और देखते हैं क्या वो त्रिभुज सर्वांग सम है, और यदि सर्वांग सम है तो उसका हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए देखें, हम यहाँ पर इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांटते हैं और इसके लिए हम एक विकर्ण बनाते हैं जो शीर्ष ए और सी को मिलाने पर बनता है। देखिए, हमने ए और सी को मिला दिया तो ये लाल रंग की लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये टूटी हुई लाइन है जो हमारी रचना को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें हम ए और सी को आपस में मिला रहे हैं और ए सी एक विकर्ण बना रहे हैं। तो इस ए सी विकर्ण के कारण ये चतुर्भुज दो हिस्सों में बट जाता है। एक तो त्रिभुज बनता है ABC और दूसरा त्रिभुज बनता है ACD। ये दोनों त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता का उपयोग करेंगे और देखते हैं कि इसे होता क्या आगे। तो हम लिखें त्रिभुज, इस पहले त्रिभुज को हम लिखें ABC,
त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है ए सी डी, आप देख रहे हैं ऊपर में बन रहा है ये त्रिभुज ए सी डी में। अब ढूंढिए जरा कौन कौन सी चीजें इसमें बराबर हैं जो सर्वांग सम बनाती हैं। एक तो हमें जानकारी दी गई थी कि ए बी और डी सी बराबर है, तो आप इसको जो दिखाई पड़ रहा है उसको तो लिख ही लीजिए कि ए बी बराबर डी सी, दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा आपस में बराबर है। और ध्यान से देखिए आपको एक चीज और नजर आएगी जो भुजाओं के रूप में है और वो है ए सी। भुजा ए सी दोनों त्रिभुजों का हिस्सा है, तो हम दोनों त्रिभुजों के लिख सकते हैं ए सी बराबर ए सी। अब दो भुजाएं हमने ढूंढ ली जो बराबर है। तीसरी एक चीज और चाहिए हमें, या तो भुजा हो सकती है या कोई कोण हो सकता है। तो भुजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ए डी बी सी के बराबर है कि नहीं, इस संबंध में यहां पर कोई बात नहीं की जा रही है, तो एक कोण ही होगा। अब आप देखिए जो बातें हैं दी हुई है उसमें से किसका उपयोग करेंगे, आपने इसका उपयोग कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कहता है ए बी और डी सी समानांतर है, ए बी और डी सी समानांतर है, इससे क्या चीज मिलेगी आपको। आप देख रहे हैं कि अगर ए बी और डी सी समानांतर है और यदि आप ए सी को तिर्यक रेखा मान लें, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो कोण बनेंगे, एक बिंदु ए पर दूसरा सी पर, और ये एकांतर कोण होंगे। और चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमें सिद्ध करना है, तो हमें एक कोण और चाहिए जिसके बारे में हम कह सके कि वो बराबर है या नहीं, इसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो ये पता चल रहा है कि कोण ए इस कोण सी के बराबर है, यानी कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, कोण डी सी ए के। अब तीन चीजें आपके पास आ गई, भुजा ए बी भुजा डी सी के बराबर है, भुजा ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोण बी ए सी कोण डी सी ए के बराबर है, यानी पहले त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके बीच के कोणों के क्रमशः बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप लिखिए ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी ए के, या आप उन्हें ए सी डी कह सकते हैं, ए सी डी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों में आप जानते हैं कि शेष अवयव जो है त्रिभुज के वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि बी सी ए डी के बराबर होगी, और बी सी ए डी के बराबर है। और आप देख रहे हैं कि एक चीज, एक जानकारी तो हमको मिली है दोनों भुजाएं बराबर हैं, एक जानकारी और मिल रही है कि अगर ए डी और बी सी दो रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा ए सी उन्हें काट रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बनाते हैं। और चूंकि एकांतर कोण तो बनाए रहे हैं, लेकिन त्रिभुज के दो हिस्से, दो अलग अलग त्रिभुजों के कोण है आपस में बराबर होंगे, तो पहले आप इनको लिखें कि दोनों, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण डी ए सी के, डी ए सी के। ये त्रिभुजों के सर्वांग समता के आधार पर आपने ये बताया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और ऐसा करने के बाद आप एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम की तरफ पहुंचने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये कोण, दोनों कोण त्रिभुज के कोण तो है ही है, लेकिन ये दोनों कोण एकांतर कोण भी हैं जो बी सी और ए डी को तिर्यक रेखा ए सी के काटने पर बनते हैं। तो आप इसको लिख लें, चूंकि ये बराबर हैं और भुजा ए डी भुजा बी सी को तिर्यक रेखा ए सी के काटने पर बनते हैं, ए सी के काटने पर बनते हैं। और ऐसा होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है जो बराबर हैं। तो ऐसा तभी संभव होगा जब ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, यानी ए डी और बी सी समानांतर होंगी, ये इस बराबर होने से सिद्ध होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए जिन भुजाओं के बीच ये बन रहे हैं, जिन भुजाओं के द्वारा बन रहे हैं तिर्यक रेखा काटने से, वो दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होंगी। तो आप कह सकते हैं कि भुजा ए डी समानांतर है भुजा बी सी के। अब आप देखिए, आपने पहले पाया था
कि ये दोनों चीजें, दोनों भुजाएं समानांतर हैं, और अभी आपने पाया कि ये जो भुजा है, ये जो जोड़े हैं AD और BC, वो भी समानांतर हैं। तो आपके सामने एक ऐसा चतुर्भुज ABCD है जिसमें एक जोड़ा तो पहले से समानांतर दिया हुआ ही था और दूसरे जोड़े को अभी आपने समानांतर सिद्ध कर दिया। तो अब ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े, दोनों युग्म समानांतर हैं। पहला युग्म AB और DC पहले से समानांतर दिया हुआ था और अभी आपने प्रूव किया है AD और BC समानांतर हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है जो समांतर चतुर्भुजों के बारे में चौथे क्रम की बात बताता है। एक चौथी बात बताता है, वो ये, यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा बराबर है और समानांतर भी है, तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय था और इसे आपने सिद्ध कर लिया है।